दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण धारावाहिक की माता सीता आज कैसा जीवन जी रही हैं? या फिर रामायण धारावाहिक में काम करने वाले वो किरदार आज कैसा जीवन बिता रहे हैं? दोस्तों, 90 के दशक का भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण तो लगभग भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने जरूर देखा होगा। इसके अलावा विदेशों में भी बहुत सी जगहों पर इस धारावाहिक को कई भाषाओं में डब करके दिखाया गया है। दोस्तों, इस धारावाहिक को लोगों ने उस वक्त भी बहुत ज्यादा पसंद किया और आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मगर क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि आखिर इस धारावाहिक में काम करने वाले वे सभी किरदार कहाँ चले गए और फिर वो फिर से दोबारा किसी धारावाहिक या फिर फिल्म में क्यों नजर नहीं आए? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि आखिर आज रामायण की माता सीता कैसी हालत में है और कैसा जीवन बिता रही हैं? दोस्तों, आज हम आपको इसी पर एक खास वीडियो दिखाने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। मगर दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम तथा माता सीता को दिल से मानते हैं तो वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दें और आगे भी हमारी वीडियोस देखने के लिए वीडियोस के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के बटन को दबाकर ऊपर ऑल के ऑप्शंस को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि आखिर क्या कर रहे हैं वो रामायण के किरदार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम और माता सीता के चहेते भगवान हनुमान की। दोस्तों, भगवान हनुमान जी का रोल निभाया था उस वक्त के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर दारा सिंह ने। उन्होंने सिर्फ टेलीविजन के इस धारावाहिक में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी की ताकत का लोहा बनवाया था। वे काफी लंबे और तगड़े थे जिसकी वजह से उनको ये रोल मिला था और ये रोल उन पर काफी फिट भी बैठता था। दारा सिंह पहले भी कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा वह तमिल, तेलुगु और मलयाली भाषा में भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन भी रह चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े चैंपियंस भी टिक नहीं पाते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कुश्तियां लड़ी थी। 1983 में दारा सिंह ने कुश्ती छोड़ दी। दारा सिंह ने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा फिल्में की थी। 1954 में उन्हें रुस्तम ए हिंद तथा 1966 में रुस्तम ए पंजाब के अवार्ड से नवाजा गया था। 2003 से लेकर 2009 तक दारा सिंह राज्यसभा के सांसद भी रहे। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको इस धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। दोस्तों, इस धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी ने। इस धारावाहिक में सुनील लहरी को ये किरदार कुछ अनोखे तरीके से मिला। इससे पहले इस धारावाहिक में लक्ष्मण के किरदार के लिए जिसे साइन किया गया था उसने ये धारावाहिक पहले ही छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि ये धारावाहिक हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर एक अनोखी छाप छोड़ जाएगा। सुनील लहरी ने इस किरदार के लिए काफी परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया था कि रियल लाइफ में भी लोग इन्हें लक्ष्मण ही बोला करते थे। मगर सुनील की रियल लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने इस धारावाहिक के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और कभी भी दोबारा नजर नहीं आए। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको रामायण के खलनायक रावण के बारे में कि वो आज कहाँ हैं। रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। अरविंद त्रिवेदी का फेस इस करेक्टर के लिए पूरा स्टीक बैठा था। हालांकि इस धारावाहिक के डायरेक्टर रामानंद सागर रावण के किरदार के लिए जैसा चेहरा चाहते थे उन्हें वैसा चेहरा ढूंढने में काफी समय लग गया, लेकिन अरविंद त्रिवेदी के चेहरे तथा उनकी जबरदस्त आवाज ने उनकी ये तलाश पूरी की और उनका चेहरा इस किरदार पर बिल्कुल फिट बैठ गया। अरविंद त्रिवेदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इतनी फिल्में करने के बावजूद भी उन्हें असली पहचान मिली तो रामायण धारावाहिक से। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण एक और किरदार भी है, बाहुबली फिल्म में काम करने वाला रामकृष्ण। रामकृष्ण ने अपनी पूरी लाइफ में कई हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया,
मगर उन्हें पूरी उम्र वह पहचान नहीं मिली जो पहचान उन्हें बाहुबली फिल्म में शिवगामी का किरदार निभाकर मिली। उसी प्रकार रामायण के रावण को भी सारी दुनिया रावण के रूप में ही जानती है। यहाँ तक कि लोग अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को रियल लाइफ में रावण के बच्चे तथा उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लग गए थे। एक्टिंग के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई थी। उस साल वे 1991 में गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत कर संसद पहुंचे। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाहें कई बार उड़ी। साल 2019 में मई के महीने में अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह आग की तरह फैल गई थी। तब उनके भतीजे कौस्तुम त्रिवेदी ने ट्विटर पर उसका खंडन किया था और फेक न्यूज ना फैलाने की अपील की थी। आगे चलकर साल 2021 में इनका निधन हुआ, इसकी पुष्टि भी इनके भतीजे कौस्तुम त्रिवेदी ने ही करी। अरुण गोविल दोस्तों, भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत 1977 में की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम पहेली था। अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम बेताल धारावाहिक में मुख्य किरदार विक्रम का रोल अदा किया था। विक्रम बेताल धारावाहिक में काम करने वाले तकरीबन सभी किरदारों ने रामायण धारावाहिक में काम किया था, मगर उन सभी को असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिली। उस समय अरुण गोविल को लोग भगवान ही मान लिया करते थे। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिकों जैसे कि लव कुश, जो रामायण धारावाहिक का ही एक अगला भाग था, उसमें भी काम किया था। इसके बाद भी अरुण गोविल ने कई और जगह भी अभिनय किया, मगर उनको जो पॉपुलैरिटी रामायण धारावाहिक से मिली वो उन्हें कहीं भी और नहीं मिल सकी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामायण धारावाहिक की माँ सीता के बारे में, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिसमें से चिख और रात के अंधेरे मुख्य फिल्में थी। रामायण से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें से विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थी। दीपिका चिखलिया की अगर आप आज की लुक देखेंगे तो आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। वाकई ही वे काफी बदल चुकी हैं। मगर दोस्तों, इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला दिया था। दीपिका चिखलिया को भी इसी धारावाहिक से खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोगों की रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर ही बुलाते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि चाहे उस समय वे उम्र में काफी छोटी थी, मगर लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन तक लगा लिया करते थे। उस समय लोग बहुत ही भोले थे, वो कलाकारों में ही भगवान का रूप देख लेते थे। 1951 में दीपिका ने वडोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वे वहां की एमपी बन गई। मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई तो उन्होंने एक कॉस्मेटिक बिजनेस हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिनकी बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। दीपिका चिखलिया की दो बेटियां हैं। दीपिका चिखलिया को अभिनय में कुछ ज्यादा तरक्की तो नहीं मिली, मगर आज वो एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामायण धारावाहिक के किरदारों की ये जिंदगी? उम्मीद है आपने भी रामायण धारावाहिक बड़ी ही श्रद्धा से देखा होगा और आप श्री राम और माता सीता से यही कामना कर रहे होंगे कि जल्द ही दुनिया आज की भयानक स्थिति से निकल जाए और कोरोना बार बार लौट कर ना आए, सब कुछ पहले जैसा कुशल मंगल हो जाए। इसी कामना के साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय श्री राम, जय माता सीता। दोस्तों, भगवान राम और माता सीता के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।